हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स जियो ने जियो भारत सीरीज में एक नया 4G फीचर फोन लॉन्च किया है जियो भारत B1 नाम से। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस फोन में कौन कौन से फीचर और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं और आप लोगों को ये फोन खरीदना चाहिए कि नहीं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स में मिलता है चार्जर, यूजर मैनुअल और ये है जियो भारत फोन। काफ़ी लाइट वेट है और बैक में मिल जाती है बैटरी। फ्रेंड्स इस फ़ोन में 2.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है, बटन्स रबड़ के दिए हुए हैं जो काफ़ी इजी टू यूज़ हैं। बैक में एक VGA कैमरा मिलता है और स्पीकर, इसमें कोई भी फ्लैश लाइट नहीं मिलती। फ्रेंड्स जियो ने बस इस फ़ोन के बैक में ये एक स्ट्रिप ऐड की है, नहीं तो इस फ़ोन का डिज़ाइन बिल्कुल पुराने जियो फ़ोन की तरह ही है। टॉप में टॉर्च लाइट, बॉटम में हेडफोन जैक और चार्जिंग पोर्ट, साइड में इसमें कोई भी बटन नहीं मिलता। इसमें एक नॉर्मल माइक्रो USB चार्जर मिलता है और 2000 mAh की बैटरी। इस फोन में 512 MB की रैम और 4GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसमें आप 128 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इस फोन में आप केवल जियो की सिम यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक जियो फोन की सिम है जिसमें 895 का एक साल वाला प्लान एक्टिवेटेड है। देखते हैं ये सिम इसमें काम करती है कि नहीं। ऑन करते हैं, लैंग्वेज सेट करते हैं। इसमें 23 इंडियन लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है। फ्रेंड्स इसमें जियो फोन की सिम भी काम कर रही है। मेन्यू में देखते हैं, मेनू में हमें मिलता है कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट, मैसेज, मल्टीमीडिया, टूल्स, नोट्स, फाइल्स, सेटिंग, कैमरा, इंटरनेट ब्राउज़र, क्लॉक, जियो सावन, जियो सिनेमा, जियो पे। इसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, जियो TV, ऐप स्टोर, गेम्स वगैरह इसमें कुछ भी नहीं मिलता। जियो सिनेमा चलाकर देखते हैं, जियो सिनेमा का फुल वर्जन इसमें नहीं मिलता। छोटी छोटी 2-4 मिनट की क्लिप्स इसमें दी हुई हैं, चलाकर देखते हैं। वीडियो की क्वालिटी भी बहुत लो है। जियो पे का सपोर्ट मिल जाता है जिससे आप UPI पेमेंट कर सकते हैं। जियो सावन ऐप का भी फुल वर्जन नहीं मिलता। कुछ सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र, इसमें ब्राउज़र मिलता है। मैंने ब्राउज़र में YouTube चलाने की कोशिश की लेकिन चले ही नहीं। ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है लेकिन Wi-Fi हॉटस्पॉट का सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने ब्लूटूथ से TWS कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन ये कनेक्ट हो ही नहीं पाए, केवल सर्चिंग ही शो करता रहा। मल्टीमीडिया में वॉइस रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर, वायरलेस FM रेडियो का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, ब्लॉकिंग कॉन्टैक्ट्स, स्पीड डायल का ऑप्शन भी मिलता है। कॉल करके देखते हैं। फ्रेंड्स इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस मुझे ठीक ठाक लगा। स्पीकर की लाउडनेस भी ठीक है। कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी लो है, हालांकि QR कोड स्कैन करने में ये काम आता है। फ्रेंड्स इस फोन में कुछ भी फीचर देखने को नहीं मिलते। ऊपर से आपको रिचार्ज के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जबकि पुराने वाला जियो फोन जो कि 1700-1800 रुपये का मिलता है उसमें आपको WhatsApp, YouTube, Facebook, जियो TV आदि सोशल मीडिया ऐप का सपोर्ट मिलता है और साथ में एक साल का रिचार्ज भी फ्री मिलता है। फ्रेंड्स अभी ये फोन 1299 की कीमत में अमेजन पर मिल रहा है, जिसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।